हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू एलके एकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम, एंड आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स। वॉट एवर टॉपिक्स आर बींग कवर्ड इन द ऑनलाइन लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट थिंक दैट सम ऑफ द टॉपिक्स आर बींग मिस्ड आउट। ओके, विच एवर टॉपिक इज कवर्ड आर रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आर रिलेवेंट टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, and all the relevant topics are being covered in your lectures. Okay, so first try to complete the already served topics to you. Okay, so by this today we will start our current affairs lectures. और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज़ वन सेलेशियल इवेंट दैट वी हैव मॉनिटर्ड, और वो है सन हेलो और कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट जो हमें देखने को मिली, और इंडिया के बेंगलोर शहर में ये हमें इफेक्ट देखने को मिली। सो रिसेंटली द पीपल ऑफ बेंगलोर विटनेस्ड अ ब्राइट रेनबो रिंग अराउंड द सन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, अ रेयर ऑप्टिकल एंड एटमोस्फियरिक फिनोमिनन कॉल्ड 22 डिग्री सर्कुलर हेलो। अब देखिए 22 डिग्री क्यों इसको नाम दिया गया है, सर्कुलर वी ऑलरेडी नो कि पूरा सन के आसपास हमें रेनबो काइंड ऑफ एक इमेज बनता हुआ दिखा, तो उसको सर्कुलर हेलो नाम दिया गया है। सो द फिनोमिनन पॉपुलरली नोन एज द 22 डिग्री सर्कुलर हेलो ऑफ द सन और ओकेजनली द मून अकर्स व्हेन द सन्स और मून्स रेज गेट डिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड थ्रू द हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन कीरस क्लाउड्स। तो जो बहुत से पतले जो क्लाउड्स होते हैं, ओके, और वो पतले क्लाउड से जब सूरज की किरणें रिफ्रैक्ट होती है या डिफ्लेक्ट होती है, तो हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, एक सर्कुलर इमेज हमें सन और मून के आसपास हमें देखने को मिलेगा। आई एम प्रिटी श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव डन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, चाहे और किसी फील्ड से हो, अपने प्राइमरी सेक्शन में साइंस के सब्जेक्ट के अंदर आपने खुद से कैलिडोस्कोप बनाया होगा और कैलिडोस्कोप इफेक्ट आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो दैट सेम फिनोमिना इज बीइंग यूज्ड हियर, दिस इज कॉल्ड द कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट। दोज हेलोज आर कॉल्ड 22 डिग्री हेलोज एज द हेलो और द रिंग, हेलो मीनिंग रिंग, हैज एन अपेरेंट रेडियस ऑफ 22 डिग्रीज अराउंड द सन और द मून। सो एक स्पेशल डिग्री पे वो रिफ्रेक्ट होता है, एंड दैट्स वाई इट इज गिवन द 22 डिग्री हेलो। सर्क्यूलर हेलोज स्पेसिफिकली आर प्रोड्यूस्ड बाय कीरस साउंड विच आर थिन डिटैच्ड हेयर लाइक क्लाउड्स, काफ़ी पतले किस्म के क्लाउड होंगे। दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड वेरी हाई अप इन द एटमोसफियर एट अ हाइट ऑफ ओवर 20,000 feet, जस्ट लाइक अ रेनबो। हेलो इज विजिबल वेन व्यूड फ्रॉम द राइट एंगल, समटाइम्स अपियरिंग जस्ट वाइट बट ऑफन विद कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑल्सो क्लियरली प्रेजेंट। द हेलो इज द brightest at the inner edge of the circular disc with no light inside the disc as no light is refracted at smaller angles. Red light is refracted less than other colors of light, so the halo's inner edge is reddish. Okay, तो जब आप देखोगे तो जो inner most जो रेडियस है और सरफेस है, दैट इज विजिबली रेडिश, अदर शेड्स टिपिकली टेंड टू ओवरलेप एंड वॉश आउट। तो पहली तो बात यह है कि सूरज के सामने डायरेक्टली हम देख नहीं पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, अगर आप ट्राई भी करोगे तो जो अदर कलर्स है दैट इज़ ऑलरेडी वॉश्ड आउट। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएंगे, और जो बेसिकली आपको जो कलर दिखेगा दूर से दैट विल बी क्वाइट अ रेडिश कलर। तो ये एक एटमोस्फियरिक इवेंट हमें हाल ही में देखने को मिला। द सेकेंड टॉपिक फॉर अस टूडे इज ऑल्सो द टू सेलेशियल इवेंट दैट हैपन्ड ऑन अ सिंगल डे, और वो है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, जिसे हम चंद्र ग्रहण के नाम पर जानते हैं कि चंद्र का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा छिप जाएगा, नहीं दिखेगा। ओके, सो दिस इज टोटल ल्यूनर इक्लिप्स एंड सुपर मून। सो टू सेलेशियल इवेंट, सेलेशियल इवेंट का मतलब क्या है कि जो स्पेस से जुड़ी हुई जो इवेंट है, टू सेलेशियल इवेंट्स टोटल ल्यूनर एक्लिप्स एंड सुपर मून टुगेदर कॉन्साइड ऑन 26th of May 2021। तो देखिए काफ़ी प्रिसाइसली आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इन रिसेंट टाइम कौन सी दो
इम्पॉर्टेंट सेलेशियल इवेंट्स थी जो एक ही दिन पे आपको देखने को मिली थी 26 मई के दिन, वो है, एक तो है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स और दूसरा है सुपर मून। वी ऑलरेडी नो हाउ द एक्लिप्स वर्क्स, राइट? जब आपको व्हेन अर्थ इज इन बिटवीन मून एंड सन, व्हाट यू विल सी? यू विल सी ल्यूनर एक्लिप्स, राइट? एंड व्हेन मून इज इन बिटवीन अर्थ एंड सन, व्हाट विल यू सी? सोलर इक्लिप्स, राइट? उसका जो शेडो है वो एक दूसरे सेलेशियल ऑब्जेक्ट पे गिरेगा। वी ऑलरेडी नो दी फिनोमिना। सो व्हाट इज सुपर मून? अ सुपर मून अकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ एट द सेम टाइम दैट द मून इज फुल। तो जिसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं, राइट? तो दैट इज द सुपर मून, के जिस दिन हमें पूरा मून दिखेगा और वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। क्यों बड़ा दिखेगा? क्योंकि इट इज द क्लोजेस्ट टू द मून अर्थ। ओके, एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ देर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज द लीस्ट कॉल्ड द पेरिगी एंड अ पॉइंट ऑफ द टाइम व्हेन द डिस्टेंस इज द मोस्ट कॉल्ड द एपोजी और एपोगी। सिंस अ फुल मून अपियर्स एट द पॉइंट ऑफ अ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, नॉट ओनली डज इट अपियर टू बी ब्राइटर बट इट इज ऑल्सो लार्जर देन अ रेगुलर फुल मून। अकॉर्डिंग टू नासा द टर्म सुपर मून वॉज कॉइंड बाई एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नॉल इन 1979। इन अ टिपिकल ईयर देर मे बी टू और फुल सुपर मून्स एंड टू और फोर न्यू सुपर मून्स इन अ रो। ओके, तो सुपर मून और रेगुलर फुल मून के बारे में ये डिफ्रेंशिएट है कि सुपर मून में आपको वो नज़दीक दिखेगा, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट इज ल्यूनर एक्लिप्स? सो ल्यूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द मून्स मून मूव्स इन टू द अर्थ शेडो। द अर्थ हैज़ टू बी डिरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून एंड अ ल्यूनर एक्लिप्स कैन ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग अ फुल मून, राइट? तो देखिए, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि अर्थ का मून और सन के बीच में होना जरूरी है एंड ल्यूनर एक्लिप्स कैन ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग अ फुल मून। फुल मून के टाइम पे ही जो शेडो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट द मून मूव्स इन टू दी पेन्यूम्ब्रा द पार्ट ऑफ अर्थ शेडो वेयर नॉट ऑल द लाइट फ्रॉम द सन इज ब्लॉक्ड आउट। पार्ट ऑफ द मून्स डिस्क विल लुक डिमर देन अ रेगुलर फुल मून एंड देन द मून मूव्स इन टू दी अर्थ उम्ब्रा वेर डिरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन इज टोटली ब्लॉक्ड आउट बाई दी अर्थ। दिस मीन्स द ओनली लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मून्स डिस्क हैज ऑलरेडी बीन रिफ्रेक्टेड और बेंट बाई दी अर्थ एटमोसफियर एंड दैट्स वाई सम ऑफ द पार्ट ऑफ द मून इज डार्क और नॉट एट ऑल विजिबल। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स का क्या मतलब है? सो ड्यूरिंग दिस द होल ऑफ द ल्यूनर डिस्क एंटर्स द अर्थ उम्ब्रा सो द मून अपियर्स रेडिश। दिस वोंट लास्ट फॉर एवर दो। तो कुछ टाइम ऐसा होगा, कुछ टाइम विंडो ऐसा होगा कि जब मून मून इज ऑलरेडी स्मॉलर देन अर्थ। ओके, सो जब मून अर्थ के उम्ब्रा में पूरा पूरा चला जाएगा, अर्थ के शेडो में पूरा पूरा चला जाएगा, तो वो रेडिश दिखेगा। रेडिश क्यों दिखेगा? सेम फिनोमिना हमने आगे देखा कि क्योंकि जो सोलर रेज है वो रिफ्रेक्शन की वजह से बाकी सारे कलर ओवरलैप हो जाएंगे और जो फाइनल कलर आपको विजिबली दिखेगा दैट इज रेडिश। सो वो थोड़ी देर के लिए मून भी इस तरह से हमें दिखेगा। आफ्टर अबाउट 14 मिनट्स ऑफ टाइम द मून विल मूव आउट अगेन फ्रॉम ऑफ द अर्थ उम्ब्रा एंड बैक इन टू इट्स पेन्यूम्ब्रा। इन टोटल द ल्यूनर एक्लिप्स विल लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। रेड लाइट हैज़ अ लॉन्गर वेव लेंथ देन द ब्लू लाइट विच गिव्स द ल्यूनर एक्लिप्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक रेडिश कलर। ऑन अर्थ वी सी द सेम इफेक्ट ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट्स व्हेन द स्काई हैज़ अ मोर रेडिश ग्लो देन ड्यूरिंग द डे एंड दिस इज बेसिकली हाउ द ल्यूनर एक्लिप्स विल वर्क। ओके, सो दिस इज द सन, दिस इज द मून एंड दिस इज द अर्थ। तो जब जो मून है वो पूरे पूरा शेडो में चला जाएगा तब वो ल्यूनर एक्लिप्स हमें दिखेगा। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इज हाउ द सोलर एक्लिप्स विल वर्क। सोलर एक्लिप्स क्या होगा? जिसे हम सूर्य ग्रहण के तौर पर जानते हैं, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा और मून का शेडो जो है वो मून की वजह से हम सन का जो कुछ पार्ट है
पार्शियल सन को हम नहीं देख पाएंगे, सो दैट इज़ नोन एज सूर्य ग्रहण. सो टोटल सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन न्यू मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड कास्ट द डार्केस्ट पार्ट ऑफ इट्स शेडो द उम्ब्रा ऑन अर्थ. अ फुल सोलर एक्लिप्स नोन एज टोटैलिटी इज ऑलमोस्ट डार्क एज नाइट. ओके, और ये भी काफ़ी कम टाइम के लिए यहाँ पे रहता है. चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट सेक्शन, और वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर. देखिए लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक नई कॉलेजियम सिस्टम लाने की बात चल रही है फॉर दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर. काफ़ी लोग ये मांग कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ECI जो है दैट इज़ नॉट वर्किंग इन अ न्यूट्रल वे. पिछले असेंबली इलेक्शन में हमने देखा, तो उसी टाइम ये बात हुई थी कि जिस तरह से CBI डायरेक्टर की पोस्ट भरी जाती है, जिस तरह CBI डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, उसी तरह से कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सके. ओके, सो हाउ द CBI डायरेक्टर इज अपॉइंटेड. सो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड सुबोध कुमार जायसवाल एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आपकी क्लास 3-4 की एग्जाम में आपको सीधे सीधा पूछा जा सकता है कि CBI डायरेक्टर कौन है. सो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड सुबोध कुमार जायसवाल एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. द डायरेक्टर ऑफ द CBI इज अपॉइंटेड एज पर द सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946. नाउ व्हाई इट इज अपॉइंटेड एज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, बिकॉज CBI की जो रचना हुई है वो इस एक्ट के तहत हुई है, एंड दैट्स व्हाई ऑल द हाउ CBI शुड वर्क, व्हाट इज़ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ CBI, व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ CBI, हाउ CBI एम्प्लॉयज़ आर बीइंग अपॉइंटेड, ये सारी चीज़ें 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से ली जाएगी. और पर्टिकुलरली जो CBI डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है दैट विल बी कैरिड आउट फ्रॉम द सेक्शन 4A. क्या है CBI? सो CBI वॉज सेटअप इन 1963 बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी. नाउ द CBI कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग दैट इज़ DOPT ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंसिस एंड पेंशंस. The establishment of the CBI was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption. और आज भी देखिए जो हाई प्रोफाइल केसेस है जिसको पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती, या जो मल्टी स्टेट से रिलेटेड जो करप्शन केसेस होंगे या जो हाई प्रोफाइल अदर केसेस होंगे वो किसको दिए जाएंगे, CBI को ट्रांसफ़र किए जाएंगे. द CBI इज़ नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी, इट डिराइव्स इट पावर्स फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946. और आए दिन CBI के ज्यूरिडिक्शन के बारे में सवाल उठते रहते हैं. द CBI इज़ द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इंसिडेंट का अगर इन्वेस्टिगेशन करवाना होगा तो किसको चार्ज दिया जाएगा, CBI को चार्ज दिया जाएगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल. इट इज़ ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज. ओके, सो कोई इंटरनेशनल मान लीजिए अगर कोई क्राइम हो और उसके जो अक्यूज्ड है वो अगर इंडिया में है या उसका कोई भी कनेक्शन अगर इंडिया ज्यूरिडिक्शन में है तो उसको भी कौन कंडक्ट करेगा, CBI कंडक्ट करेगी ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज. दी CBI इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर. दी CBI हैज अ ज्यूरिडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस पर्टेनिंग टू 69 सेंट्रल लॉज, 18 स्टेट लॉज एंड 231 ऑफेंसेस इन दी IPC. तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में अगर कुछ हुआ है तो CBI को नहीं बुलाया जाएगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सो एंड सो इन्वेस्टिगेशन शुड बी हैंडल्ड बाय CBI तो वो केस किसको दे दिया जाएगा, CBI को दे दिया जाएगा. अपॉइंटमेंट ऑफ CBI डायरेक्टर कैसे होगी, तो बेसिकली तीन लोगों की कमिटी है. कौन है ये तीन लोग, तो एक हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे हो गए लोकसभा में विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और तीसरे हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इन तीन लोगों की बनी हुई कमिटी जो है वो मिलेंगे, वो मीटिंग करेंगे और CBI
डायरेक्टर की पोस्ट को डिसाइड किया जाएगा कि किसको उस पोस्ट पर बिठाना है. सो द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द लोकपाल एंड लोकायुक्ता 2013 एक्ट अमेंडेड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 एंड मेड द फॉलोइंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. कैसे होंगी उनकी अपॉइंटमेंट, उसके लिए एक अपॉइंटमेंट कमिटी बनाई गई है. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3-member कमिटी. कौन सी है 3-member कमिटी? कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाई हिम. सो कई बार ऐसा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं होंगे या वो बिजी होंगे, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी और सुप्रीम कोर्ट जज को नॉमिनेट करके इस कमेटी में भेज सकते हैं, उनकी प्रॉक्सी दे सकते हैं. तो ये 3 लोगों की बनी हुई जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी हु विल बी अपॉइंटेड एज अ सीबीआई डायरेक्टर. The Delhi Special Police Establishment Act 2014 made a change in the composition of the committee related to the appointment of the director of CBI. It states that where there is no recognized leader of opposition in the Lok Sabha, then the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha would be member of that committee. Okay, so देखिए 2014 के Lok Sabha election में ये चीज़ हुई थी. हमारे यहाँ किसको leader of opposition बनाया जाएगा? कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपकी पार्टी के पास 10% ऑफ द टोटल वोट होने चाहिए. हमारे यहाँ सीट है 543 लोकसभा सीट्स, तो आप उस हिसाब से अगर 10% सीटें देखें तो 54.3 सीट्स होनी चाहिए किसी पार्टी के पास टू बी एलिजिबल फॉर द अपोजिशन लीडर, राइट. उसको राउंड अबाउट करके क्या कर दिया गया है कि मिनिमम 55 सीट्स होनी चाहिए. 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 44 सीट्स मिली थी. और उस टाइम पे ये काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी विवाद हुआ था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोकसभा स्पीकर ने अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट कांग्रेस पार्टी को देने से मना कर दिया था. क्यों? क्योंकि जो रिचुअल है उस हिसाब से, जो नियम है लोकसभा के, उस हिसाब से मिनिमम 55 सीट आपके पास होनी चाहिए. इस केस में क्या किया गया? तो उस केस में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन की, राइट, तो उसके जो लीडर है उसको इस कमेटी में बिठाया जाएगा. तो वही स्टेटमेंट ही आपको यहाँ पे दिया गया है. इट स्टेट्स दैट वेयर देर इज नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा देन द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा वुड बी अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी. टेन्योर ऑफ डायरेक्टर कितना होगा? सो द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2-year टेन्योर इन ऑफिस बाय द सीवीसी एक्ट 2003. ओके, सो 2003 का जो एक्ट है विजिलेंस कमीशन का, उसके हिसाब से उनको 2 साल का टेन्योर दिया जाएगा. 2 साल के बाद वापस सोचा जाएगा. ओके, सो देखिए बेसिकली अब क्यों दिस इज द फेयर मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोस्ट और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और एनी अदर स्टेचुटरी पोस्ट. तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको आप न्यूट्रल मान सकते हो, प्राइम मिनिस्टर जिसको आप न्यूट्रल मान सकते हो और अपोजिशन लीडर, राइट, तो ये तीनों मिलके ये पोस्ट डिसाइड करेंगे. और यही सेम फॉर्मूला अपनाने की मांग हो रही है कहाँ पे? इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, राइट. तो एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपने हिसाब से, मतलब कैबिनेट के रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इन अ लार्जर परस्पेक्टिव कि वहां पे पार्शियलिज्म हो रहा हो, पार्शियलिटी हो रही हो, वी कैन नॉट से, राइट. बट इफ द अपॉइंटमेंट कमिटी इज देयर देन देर इज अ वॉइस ऑफ अपोजिशन ऑल्सो इन द अपॉइंटमेंट. और वो 2 साल के बाद वो लोग फरियाद नहीं करेंगे कि ये तो गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है, ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठकर. सो इसीलिए काफ़ी सारी जो एजेंसीज है, काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट की गई है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए भी एक न्यूट्रल कमेटी बनाई जानी चाहिए, हाई लेवल कमेटी बनाई जानी चाहिए.
एससी रूलिंग्स रिलेटेड टू सीबीआई डायरेक्टर, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीबीआई के ज्यूरिडिक्शन को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठते रहते हैं, सीबीआई डायरेक्टर का या सीबीआई का इंटरवीन जब करता है किसी स्टेट अफेयर्स में तो स्टेट गवर्नमेंट को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो इन केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, वॉट काइंड ऑफ ज्यूरिडिक्शन शुड बी गिवन टू सीबीआई एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो द सिक्स्थ मंथ मिनिमम रेसिड्यूअल टेन्योर रूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन अ मार्च 2019 ऑर्डर। नो ऑफिसर विथ लेस देन सिक्स मंथ्स टेन्योर रिमेनिंग कैन बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ। तो जो ऑलरेडी रिटायर्ड होने में जिसको 6 महीने से कम का टाइम बाकी है उसको चीफ पोस्ट के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। दो द ऑर्डर इन द प्रकाश सिंह केस पर्टेंड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ DGPs, इट वॉज एक्सटेंडेड टू CBI डायरेक्टर टू। DGP मतलब जो आपकी स्टेट पुलिस का जो हेड होगा दैट इज नोन एज DGP। इन द प्रकाश सिंह केस 2006 द सुप्रीम कोर्ट हैड स्ट्रेस्ड द पॉइंट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ DGPs शुड बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड टू इंसुलेट द ऑफिस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर्स। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी आइडियलिज्म पे काम करता है कि इस तरीके से विदाउट एनी पार्शियलिटी न्यूट्रल तरीके से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ऑफिसर्स को काम भी उसी तरीके से करना चाहिए। बट वी ऑलरेडी नो दैट इन पास्ट सेवरल ईयर्स चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो CBI का हमेशा एज अ पॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल होता रहा है। अपोजिशन पार्टीज़ के नेताओं को डराना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, CBI का इस्तेमाल किया जाता है। खोज खोज कर पुराने करप्शन के केसेस, मर्डर केसेस या सो एंड सो केसेस निकाले जाते हैं ताकि पॉलिटिकल गेन पाया जा सके। द डायरेक्टर ऑफ CBI इज टू होल्ड द पोस्ट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स एज हेल्ड बाय द विनीत नरेन जजमेंट ऑफ 1998। सो विनीत नरेन के टाइम से उस टाइम पे जो जजमेंट आया था उससे ये डिसाइड हुआ कि 2 साल से कम टेन्योर के लिए किसी को ये पोस्ट नहीं दी जाएगी, एवरीवन शुड बी गिवन द पोस्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। ही शी मे नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द हाई लेवल कमिटी। तो जब तक हाई लेवल कमिटी डिसाइड नहीं करेगी ऑन सेवरल ग्राउंड्स, बिहेवियरल ग्राउंड्स हो गए या खुद उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हो या फेवरेटिज्म के चार्जेस लगे हो, सो ऐसे आरोपों में भी उसको पहले जांचा जाएगा बाय द हाई लेवल कमिटी। अगर हाई लेवल कमिटी डिसाइड करेगी तो ही उनको ट्रांसफर किया जाएगा। The Essene Union of India versus C. Dinakar 2001 case has held that ordinarily IPS officers of the senior most 4 batches in the services of the date of retirement of CBI director, irrespective of their empanelment, shall be eligible for consideration of for appointment to the post of CBI director. तो generally हम देखते हैं कि जो IPS officer होते हैं जो उन्हीं को CBI director बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि at the level of certain seniority unko they know that how the system works and how they should work to improve the functionality of that system and reduce the criminal percentage in the system. To CBI director ki jo post hai that is very 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 high profile post and that's why it is important for us from the exam point of view. Next jo hamara topic hai that is also a गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी एंड दैट इज़ नोन एज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए बेसिकली ये क्या है कि हेल्दी कॉम्पिटिशन मार्केट में होना चाहिए बिटवीन द बिजनेसेस। अगर मोनोपोली वाला मार्केट जनरेट होता है तो मोनोपोली वाले मार्केट में जो सेलर है उसको फ़ायदा होगा, जो बायर है जो ग्राहक है उसको नुकसान होगा। और टू इंक्रीज द मनी फ्लो ऑल्सो द मोनोपोली मार्केट इज नॉट एडवाइजेबल। सो ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन जनरेट करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसी बनाई गई है। अभी 1-1.5 साल पहले एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी बिटवीन गूगल एंड पेटीएम। नाउ इफ यू आर यूजिंग इन एंड्रॉयड फोन तो टू डाउनलोड एनी एप्लीकेशन वॉट इज रिक्वायर्ड, गूगल प्ले स्टोर इज रिक्वायर्ड। सो गूगल ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके क्योंकि वो खुद ही सिस्टम बनाता है, राइट, उसने खुद ने गूगल प्ले स्टोर को डिज़ाइन किया है। अब गूगल ने इंडिया में अपनी पे सर्विसेज, मनी पे और मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज को स्टार्ट किया विच इज़ नोन एज GPay, गूगल पे के नाम से हम जिसको जानते हैं। बट इन इंडिया फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स पेटीएम हैज़ बीन सक्सेसफुली रनिंग एंड पेटीएम इज़ डोमिनेटिंग द मनी ट्रांसफ़र मार्केट, राइट। तो क्योंकि
पेटीएम के सामने गूगल पे नहीं टिक पा रहा था, गूगल ने क्या किया, अपने एल्गोरिदम में उसने कुछ ऐसे चेंजेस किए कि पेटीएम आपको काफ़ी नीचे लिस्ट में दिखेगा व्हेन यू सर्च दी पेटीएम एप्लीकेशन इन दी प्ले स्टोर, राइट। और कुछ टाइम के लिए गूगल ने जी पे से पेटीएम को क्या कर दिया, हटा दिया। अब पेटीएम के पास अपना खुद का कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसको तो किसके ऊपर रिलायबल रहना पड़ेगा अगर कस्टमर तक पहुंचना है तो, या तो एंड्रॉयड मोबाइल पर या तो आईओएस डिवाइस पर, राइट। तो जब गूगल ने, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया इज़ यूजिंग एंड्रॉयड फोन्स, लार्जर कम्युनिटी इज़ यूजिंग एंड्रॉयड फोन्स, तो जब आप एप्लीकेशन ही हटा दिए पेटीएम का अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, और आपने किसी अपने कॉम्पिटिटर का जो बिजनेस है वो बंद करने की ट्राई की, सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन लॉज। और इसके लिए गूगल के ऊपर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, और आफ्टर सेवरल आवर्स, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ गई, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन होना पड़ा, गूगल ने आफ्टर सेवरल आवर्स पेटीएम की जो एप्लीकेशन थी उसको अगेन एंड्रॉयड के जो उसका प्ले स्टोर है उसके ऊपर वापस उसने प्लेस कर दिया था। ओके, सो रिसेंटली द 12th एनुअल डे ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 मई। ओके, सो 20 मई को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का एनुअल डे मनाया गया। वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी का मतलब क्या है कि उसको एक किसी एक्ट के तहत, क्योंकि हमें ऐसी एक बॉडी की ज़रूरत पड़ी देश चलाते चलाते, हमें लगा कि भाई चलो इसके ऊपर इस फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए, तो अगेन सम एक्ट हमने उस एजेंसी को बनाया, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्टेचुटरी बॉडी। सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। CCI वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 14th of October 2003, बट इट बिकेम फुल्ली फंक्शनल ऑन 28 मई 2009। कंपोजिशन क्या है इसका, सो चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटल कितने लोगों की एजेंसी है, 7 लोग मिलकर इसमें काम करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ CCI, सो दिस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। The Competition Act 2007 was enacted after amending Competition Act 2002 that led to the establishment of the CCI and the Competition Appellate Tribunal. तो 2007 में कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल की भी एस्टेब्लिशमेंट की गई कि अगर दो बिजनेस के बीच में कोई झगड़ा होता है तो पहले कहाँ जाया जाएगा, ट्रिब्यूनल के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। द गवर्नमेंट रिप्लेस्ड दी कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल विद द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एनक्लैट इन 2017। तो ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस है, अभी 2-3 साल पहले ही कॉम्पेट को बदल कर क्या किया गया है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एनक्लैट। ओके, कॉम्पेट को बदल कर क्या किया गया है, एनक्लैट किया गया है। बेसिकली फंक्शन एंड रोल क्या है CCI के, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिशन मार्केट ग्राहक को मिलना चाहिए, कस्टमर को मिलना चाहिए, और अगर कोई बिजनेस अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके हेल्दी कंपटीशन को रोकने की कोशिश कर रहा है या मार्केट को डोमिनेट करता है तो उसके ऊपर नज़र रखने का काम कौन करेगा, CCI करेगा। टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कॉम्पिटिशन, प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एन्श्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। एक सिंपल अगर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ तो नहाने के लिए जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, ओके, बार सोप, मान लीजिए अगर पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी होती जो बार सोप बनाती, नाउ दैट इज़ द वेरी एसेंशियल थिंग फॉर योर डे टू डे लाइफ, एवरी वन विल बी यूजिंग इट, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से हो चाहे आप, ओके, यू विल बी यूजिंग बार सोप। अगर कोई एक ही कंपनी होती तो मान लीजिए कि जब उसने बार सोप इंट्रोड्यूस किया वो 10 रुपये पर बार सोप आपको वो दे रहा है। अब अगर वो एक ही कंपनी है और अगर उसको अपना बिजनेस ग्रो करना है वो क्या करे, और उसको पता है कि दिस इज़ द एसेंशियल नीड, वो क्या करेगा, हर दिन 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये बढ़ाता जाएगा। नाउ कस्टमर डजेंट हैव चॉइस, कस्टमर हैज़ टू बाई दी बार सोप एट दी डिसाइडेड प्राइज
by the seller. So this is not how the economy should work. This is not how the market should work. राइट, अगर इकोनॉमी को बढ़ना है तो देर शुड बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. सो गवर्नमेंट क्या करेगी, और 10 कंपनियों को बार सोप बनाने के लिए एनकरेज करेगी. और जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी और जो दाम है वो कम होंगे. अब कस्टमर के पास चॉइस है कि मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए तो मैं सो एंड सो कंपनी के पास जाऊंगा, मुझे कम दाम चाहिए तो मैं सो एंड सो कंपनी के पास जाऊंगा. नाउ कस्टमर शुड हैव चॉइस. तो सीसीआई का यही काम है, to eliminate practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interest of consumers and ensure freedom of trade in the markets of India. The Competition Commission of India takes the following measures to achieve its objectives. क्या क्या करता है, क्या क्या functionality है basically CCI की. Consumer welfare to make the markets work for benefit and welfare of consumers. At the end customer is king. So उनके benefit के लिए जो market policies है वो बनेगी. Ensure fair and healthy competition in economic activities in the country for faster and inclusive growth and development of the economy. I have already discussed this. Implement competition policies with an aim to effectuate the most efficient utilization of economic resources. Develop and nurture effective relations and interactions with sectoral regulators to ensure smooth alignment of sectoral regulatory laws in tandem with the competition law. Effectively carry out competition advocacy and spread the information on benefits of competition among all stakeholders to establish the nurture competition culture in Indian economy. Okay, so this is basically the roles and functionality of CCI. नीड ऑफ सी सी आई क्या थी, अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के भाई इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इट इज़ रिक्वायर्ड कि हमें सी सी आई जैसी एक एजेंसी की ज़रूरत हो, वरना गूगल जैसी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो छोटे स्टार्टअप्स को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, वो आगे नहीं बढ़ने देगी. और दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये हो चुका है कि मोनोपोली की वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, एंड कस्टमर डज नॉट हैव एक्स नंबर ऑफ चॉइसेस, दे हैव ओनली वन और टू थिंग बिटवीन देम, दे नीड टू डिसाइड. ओके, सो दैट शुड नॉट हैपन. सो वॉट इज़ द नीड ऑफ सी सी आई, टू प्रमोट फ्री एंटरप्राइज. कॉम्पिटिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एंड अवर फ्री एंटरप्राइज सिस्टम. Protect against market distortions. The need for competition law arises because markets can suffer from failures and distortions. अगर 10 कंपनियां हैं मान लो, उसमें से तीन कोई कारण से बंद भी हो जाती है तो सप्लाई चेन जो है वो रुकेगा नहीं. क्यों? क्योंकि बाकी 7 कंपनीज आपके मार्केट में खड़ी हुई है, दे विल कंटिन्यू द सप्लाई चेन. ओके, अगर एक ही कंपनी हो, अगर किसी भी रीज़न से अगर वो बंद पड़ जाती है तो पूरी सप्लाई चेन जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और उसको रीगेन होने में काफ़ी टाइम लगेगा. सो दैट शुड नॉट हैपन. सो द नीड फॉर द कॉम्पिटिशन लॉ अराइजेज बिकॉज मार्केट्स कैन सफर फ्रॉम फेलियर्स एंड डिस्टॉर्शंस एंड वेरियस प्लेयर्स कैन रिजॉर्ट टू एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज सच एज कार्टेल्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एटसेट्रा. जो गूगल का मैंने बात बताया कि क्योंकि गूगल प्ले स्टोर को कंट्रोल करता है, उसने क्या किया, पेटीएम को अपने प्ले स्टोर से ही निकाल दिया. क्यों? क्योंकि पेटीएम इन अदर सेक्टर, इन द मनी ट्रांसफर सेक्टर उसका कॉम्पिटिटर है और वो नहीं चाहता कि पेटीएम की जो एप्लीकेशन है वो अपने प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करने दे कस्टमर को. बट अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कस्टमर शुड हैव दैट चॉइस. ओके, सो विच एडवर्सली इम्पैक्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कंज्यूमर वेलफेयर. प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. सो ड्यूरिंग द एरा इन विच द इकोनॉमीज आर मूविंग फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमीज टू ओपन इकोनॉमीज, एन इफेक्टिव कॉम्पिटिशन कमीशन इज एसेंशियल टू एंश्योर द कंटिन्यूड वायबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, केयरफुली बैलेंस्ड विथ अटेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन. सो बेसिकली इसके लिए सी सी आई को बनाया गया है. नेक्स्ट जो हमारे लिए एक टॉपिक है, दैट इज़ डिसइन्फेक्शन सिस्टम वज्र कवच. ओके, सो क्योंकि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और बेसिकली डॉक्टर्स एंड नर्सेस जो 24/7
कोविड के रिस्क के अंडर काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक डिसइंफेक्शन सिस्टम बनाया गया है ताकि जो पीपीई किट और मास्क जो है वो रीयूज़ किए जा सके, राइट। सो वज्र कवच इज़ अ सिंपल डिसइंफेक्शन प्रोसेस दैट अनेबल्स कोरोना वॉरियर्स टू रीयूज़ देयर मास्क एंड पीपीई किट्स। The technology has been developed under Nidhi Prayas program initiated by the Department of Science and Technology. Okay, so now Department of Science and Technology आए दिन ऐसे जो experiment है वो करता रहता है। क्या है वज्र कवच? सो वज्र कवच इज़ अ अल्ट्रा वायोलेट डिस इन्फेक्शन सिस्टम दैट रिमूव्स एनी पॉसिबल ट्रेसिस ऑफ द डिजीज कॉजिंग सार्स कोव टू दैट इज कोविड 19 वायरस फ्रॉम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई N95 मास्क कोट्स ग्लव्स एंड गाउन्स और ये सारे आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स है, राइट। इट अनेबल्स टू रीयूज ऑफ पीपीईज एंड अदर मटीरियल्स यूज बाई हेल्थ केयर वर्कर्स। इट डज प्रोटेक्ट नॉट ओनली देम बट अवर एनवायरमेंट टू बाई हेल्पिंग रिड्यूस बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन, राइट। अगर आप एक किट को एक बार यूज़ करोगे और उसके सामने एक किट को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर पाओगे विच इज़ एनवायरमेंटली गुड, सो reuse is always good. It is also making personal protective equipment more available, affordable and accessible. What is Nidhi Prayas scheme of the Department of Science and Technology? So Nidhi Prayas is a national initiative for developing and harnessing innovation, promoting and accelerating young and aspiring innovators and startups. So this is the entire name, quite a long name, okay. सो निधि प्रयास के अंदर जो स्कीम चल रही है उसके अंदर ये वज्र कवच, उस फंडिंग से ये वज्र कवच बनाया गया है विच इज़ बेसिकली गवर्न्ड बाय द अस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड अ निधि प्रोग्राम अंडर विच प्रोग्राम्स फॉर सेटिंग अप इनक्यूबेटर्स, सीड फंड, एक्सेलेटर्स एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ग्रांट्स फॉर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन लॉन्च्ड अंडर निधि Prayas program has been initiated which established technology business incubators are supported with Prayas grant to support innovators and entrepreneurs with grants for proof of concept for developing prototypes. Okay, so जो fund दिया जाएगा, अगर किसी के पास idea है but fund नहीं है तो government निधि स्कीम के अंडर जो प्रयास प्रोग्राम बनाया गया है उसके अंडर उनको फंड देगी और उसके अंडर ये वज्र कवच जो इक्विपमेंट है वो बनाया गया है। POC इज एविडेंस दैट अ बिजनेस आइडिया वर्क्स, ओके। मैक्सिमम ग्रांट ऑफ 220 लाख इज गिवन टू TBI फॉर एस्टैब्लिशिंग अ प्रयास सेंटर विच इंक्लूड्स ₹100 लाख फॉर प्रयास शाला, ₹20 लाख फॉर ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ प्रयास सेंटर एंड मैक्सिमम ऑफ 10 लाख टू वन इनोवेटर फॉर डेवलपिंग प्रोटोटाइप। फंडिंग फॉर 10 इनोवेटर इज गिवन टू द TBI इन अ ईयर। तो देखिए बेसिकली 2,20,00,000 जितनी मदद गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी अंडर दी निधि प्रयास स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अनेबल ट्रांसलेशन ऑफ एन इनोवेटिव आइडिया टू अ प्रोटोटाइप। तो एक जो आइडिया था उसको एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में उसको लाने के लिए ये फंडिंग दी जाती है। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर एक्सपेरिमेंटेशन एंड मॉडिफाई अप्रोचेज इन द आइडिया टू मार्केट जर्नी। टू जनरेट इनोवेटिव सॉल्यूशंस रिलेवेंट टू लोकल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। टू अट्रैक्ट अ लार्जर नंबर ऑफ यूथ हू डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग जील एंड एबिलिटीज। टू वर्क ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी नॉलेज इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप्स। टू एनहांस द पाइपलाइन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इनोवेटिव स्टार्टअप्स टू द इनक्यूबेटर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज OPV सजग। सो रिसेंटली द ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग गॉट कमीशन इन टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए एक फ़र्क आपने देखा होगा कि जब इंडियन नेवी में कोई शिप को जब कमीशन किया जाता है तो दैट इज़ INS, राइट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ INS? इंडियन नेवल शिप, ओके। सो दैट रिफ्लेक्ट्स के वो किसके प्रॉपर्टी है, नेवी की प्रॉपर्टी है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या काम क्या है कि जो हमारी सरहद है जो पानी के साथ जुड़ी हुई है उसकी रक्षा करना, एंड दैट्स वाई द नेम इज़ गिवन ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग गॉट कमीशन इन टू द इंडियन कोस्ट गार्ड।
क्या है सजग? सो इट इज़ द थर्ड आउट ऑफ फाइव ओपीवी इंडिजेनियसली डिजाइन एंड बिल्ट बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. इट इज़ बिल्ट अंडर द मेक इन इंडिया पॉलिसी. प्रोजेक्ट 75 के बारे में, जिसके अंडर जो इंडिजीनियस सबमरीन बनानी थी, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके थे. जस्ट पॉज योर स्लाइड एंड लुक इन टू योर नोट्स के वो जो सबमरीन्स थी उसकी लिस्ट आपके नोट्स में होनी चाहिए अंडर प्रोजेक्ट 75. अदर फोर ओपीवीज आर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम, ICGS साकेत, ICGS सुजीत एंड ICGS सार्थक. इट इज फिटेड विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, वेपन्स एंड सेंसर्स कैपेबल्स ऑफ कैरिंग अ ट्विन इंजिन हेलीकॉप्टर एंड फोर हाई स्पीड बोट्स. OPVs आर लॉन्ग रेंज सर्फेस ships capable of coastal and offshore patrolling, policing maritime zones, control and surveillance, anti-smuggling and anti-piracy operations with limited wartime roles. It will help to manage greater responsibilities in the years to come and it will strengthen ICG's concurrent multiple operations capability towards ensuring safe, secure and clean seas, as also responding promptly to maritime emergencies in नेबरहुड. तो इंडियन कोस्ट गार्ड हमेशा से ये मदद करता आया है. इवन नेबरिंग कंट्रीज़ को कभी अगर ज़रूरत पड़ी है तो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के वेसल्स को वहाँ पे भेजा गया है. इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है? सो इट इज़ एन आर्म्ड फोर्स सर्च एंड रेस्क्यू एंड मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ टास्क कैपेबिलिटीज फॉर बोथ सर्फेस एंड एयर ऑपरेशंस. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड्स इन दी वर्ल्ड. कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 18th of August 1978 बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978. इट परफॉर्म्स नॉन मिलिटरी फंक्शंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मिंग ICG केम इन टू बींग आफ्टर द 1971 वॉर. द ब्लू प्रिंट फॉर अ मल्टी डायमेंशनल कोस्ट गार्ड वॉज कंसीव्ड बाई द विजनरी रुस्तमजी कमेटी. सो रुस्तमजी कमेटी के रिकमेंडेशन पे कोस्ट गार्ड को कमीशन किया गया था. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाई द डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइजिंग हिज ओवरऑल कमांड एंड सुपरिटेंडेंस फ्रॉम द कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली से पूरा जो कोस्ट गार्ड का जो फंक्शनैलिटी है वो वहाँ से गवर्न होता है. ज्यूरिडिक्शन क्या होगा? सो इट हैज़ द ज्यूरिडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कंटिजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. सो अगर मान लीजिए आप गुजरात में दीव गए हो या कभी सोमनाथ गए हो तो आपको दूर काफ़ी सारे वेसल्स लाइन में खड़े हुए दिखेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हमारी वाटर बॉर्डर है एंड दैट्स वाई मैरीटाइम बॉर्डर है. और उसी की रक्षा के लिए, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्ट गार्ड्स आर अवेलेबल देयर. फंक्शन क्या होगा? सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया. एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू ऑयल स्पिल्स इन इंडियन वाटर्स एंड प्रोटेक्ट्स इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट्स एंड एनफोर्सेस इट्स मैरीटाइम लॉ. तो ये बेसिकली जस्ट लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड हमारे लिए काफ़ी बड़ी आर्म फोर्सेज एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्म फोर्सेज है. नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वो है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम. तो देखिए कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो काफ़ी सीवियर साबित हुई है. जो यंगस्टर्स है, जो 30 to 45-50 के जो लोग हैं उनके ऊपर वो काफ़ी सीवियर साबित हुई है, और इसी की वजह से देर आर मल्टीपल पीपल जिनकी डेथ हो गई है. अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की है अंडर दी PM केयर्स फंड. PM केयर्स हमें पता है, पिछले साल हमने पढ़ा था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब PM केयर्स फंड बनाया गया था. अब अगर उस बच्चे को मदद दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से जिसने कोविड में या तो अपने मम्मी या तो अपने पापा को खोया हो, पेरेंट्स में से अगर किसी की डेथ हो गई होगी तो ऐसे बच्चे को, या दोनों की डेथ हो गई होगी तो ऐसे बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से फिनेंशियल एड प्रोवाइड करवाया जाएगा. सो द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम फॉर ऑल दोज ऑर्फंड ड्यू टू कोविड 19.
Also, the Supreme Court has ordered the district authorities to upload the details of children in need of care and protection on NCPCR, National Commission for Protection of Children Rights portal Bal Swaraj. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बाल स्वराज पोर्टल पे वो सारे चिल्ड्रंस की डिटेल अपलोड कीजिए जिनको किसी भी तरह से एनसीपीसीआर की ज़रूरत हो. राइट, क्या है, सो स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल विद गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ एक्सपेंसेस. तो जो ऑर्फन हो गए हैं जो बच्चे, उनको केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलवाया जाएगा या तो किसी उनकी चॉइस की प्राइवेट स्कूल में उनको डाला जाएगा, गवर्नमेंट उसका एक्सपेंस बेयर करेगी. स्टूडेंट्स ऑफ 11 टू 18 ईयर्स कैन बी एनरोल्ड इन सैनिक स्कूल्स और नवोदया विद्यालय. हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख. कॉर्पस ऑफ 10 लाख पर चाइल्ड टू बी क्रिएटेड. कॉर्पस का मतलब क्या है कि 18 साल का एक जस्ट लाइक एन FD, ठीक है, कि एक मेच्योरिटी के बाद उसको वो प्रोवाइड करवा जाएगा उस बच्चे को, ताकि वो अपने फ्यूचर को शेप करने में, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी कॉलेज फीस के लिए उसको इस्तेमाल कर सके. मंथली स्टाइपेंड विल बी ऑफर्ड फ्रॉम दी कॉर्पस आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ द एज. लंपसम टू बी डिसबर्स्ड वंस द एज ऑफ 23 इज अटेंड. द सेंटर हैज अनाउंस्ड द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एड पैकेज फॉर चिल्ड्रन ऑर्फंड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. ओके, सो देखिए, ये जो स्कीम है वो बेसिकली किसके लिए है, ऑर्फन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता या पिता को खो दिया है. ओके, और कई सारी स्कीम इसके साथ जोड़ी गई है जिसमें इधर वन ऑफ द पेरेंट्स इज डाइड. ओके, सो उसके लिए भी उनको फिनेंशियल एड प्रोवाइड करवाया जाएगा. अबाउट PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, सो चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और देयर लोन सर्वाइविंग पेरेंट और देयर लीगल गार्डियन और अडॉप्टिव पेरेंट ड्यू टू COVID-19, तो ये अगर क्राइटेरिया है तो उनको PM केयर फॉर चिल्ड्रन में से ग्रांट दी जाएगी. देर आर टोटल ऑफ 577 COVID-19 ऑर्फन्स आइडेंटिफाइड अक्रॉस द कंट्री. ऑल्सो देर हैज़ बीन अ राइज इन केसेज ऑफ चाइल्ड ट्राफिकिंग. तो मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, 10-11 साल का है, उससे भी छोटा, और अगर उसने पेरेंट्स अपने गुमा दिए हैं और वो ऑर्फन हो गया है, तो वो सीधे सीधा ईजीली चाइल्ड ट्राफिकिंग के जो रैकेट है उसमें फंस सकता है. तो उससे भी गवर्नमेंट उसको बचाने की कोशिश करेगी. फीचर्स ऑफ दी स्कीम बेसिकली क्या है, जो ऑलरेडी हमने द हिंदू के कटिंग में देख ली है. कॉर्पस ऑफ 10 लाख क्रिएट किया जाएगा. सो कॉर्पस ऑफ ₹10 लाख विल बी अलोकेटेड टू ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन फ्रॉम द PM केयर्स फंड. दिस कॉर्पस विल बी यूज टू गिव अ मंथली स्टाइपेंड फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ देयर एज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23 ईयर्स ही और शी विल गेट अ कॉर्पस अमाउंट एज वन लमसम फॉर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज. तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल दी सेक्टर्स, ऑल दी जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी इसका क्या किया है, समर्थन किया है. एजुकेशन टू द चिल्ड्रन भी कौन प्रोवाइड करवाएगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी. सो द एजुकेशन एक्सपेंसिस ऑफ द यंगर चिल्ड्रन विल बी सपोर्टेड बाई वे ऑफ एडमिशन टू केंद्रीय विद्यालयाज एंड प्राइवेट स्कूल्स अप टू हायर सेकेंडरी लेवल्स. दीज चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी सपोर्टेड ड्यूरिंग देयर हायर एजुकेशन थ्रू ईदर अ स्कॉलरशिप इक्विवेलेंट टू द ट्यूशन फीस और एजुकेशनल लोन्स वेर द इंटरेस्ट ऑफ द लोन विल बी पेड बाई दी PM केयर्स फंड. तो देखिए कितना गवर्नमेंट ऐसे बच्चों के लिए कर रही है जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड की बीमारी में गुमा दिया है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा. सो ऑल चिल्ड्रन विल बी एनरोल्ड एज अ बेनिफिशियरी अंडर आयुष्मान भारत स्कीम विद अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख. द प्रीमियम अमाउंट विल बी पेड बाई PM केयर्स टिल अ चिल्ड्रन टर्न्स 18. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी अच्छे समाचार हमें आते हुए दिखे. और PM केयर्स फंड का जब गठन हुआ था, जब उसको कमीशन किया गया था, तो काफ़ी विवाद हुआ था. कांग्रेस की तरफ से बेसिकली कहा गया था कि ऑलरेडी हमारे पास जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो फंड एस्टैब्लिश किया गया था वो है हमारे पास, तो क्यों अलग से PM केयर्स फंड बनाया जा रहा है. आए दिन पिछले एक साल में काफ़ी बार ये विवाद उठा के BJP PM केयर्स फंड का इस्तेमाल अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए कर रही है, चुनाव में कर रही है. और क्यों, क्योंकि PM
केयर्स फंड को अभी ऑडिट नहीं किया गया है और उसके जो रिजल्ट है वो अभी पब्लिक के सामने नहीं रखे गए हैं। सो इन ऑल दिस केओस दिस इज द गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो द गवर्नमेंट हैज सेट अप द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोस्ड बाई द COVID-19 पैंडेमिक। द फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। अदर मेंबर्स इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फिनांस मिनिस्टर। द फंड अनेबल्स माइक्रो डोनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट विथ द स्मॉलेस्ट ऑफ डिनोमिनेशन। आप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 10 लाख रुपये आपकी PM केयर्स फंड में डाल सकते हो। और जब कोविड स्टार्ट हुआ था और जब माइग्रेंट वर्कर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, लोगों को फ्री में खाना खिलाया जा रहा था, तो वो सारा पैसा कहाँ से दिया गया? PM केयर्स फंड से दिया गया। लोगों ने अपने जितना हो सके उतना यहाँ पे क्या किया था, डोनेट किया था। इट विल स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज एंड एनकरेज रिसर्च ऑन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स। कॉन्ट्रीब्यूशन टू PM केयर फंड्स क्वालिफाइज एज अ CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। तो CSR इज एसोसिएटेड विथ कंपनीज, ओके, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, उनको अपने सालाना बजट का 2% कहाँ पर डालना होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। दिस टॉपिक हैज़ ऑल्सो बिन कवर्ड टू अस। एक बार देखिए कि CSR के क्या क्या रूल्स है, और COVID-19 के टाइम पे CSR काफ़ी बढ़ चढ़ कर अगेन वो टॉपिक हमने पढ़ा था, ओके। बाल स्वराज कोविड केयर क्या है? सो द NCPCR हैज़ डिवाइज्ड एन ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। दिस हैज़ बीन क्रिएटेड विथ अ पर्पज फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और NCPCR क्या है? वी ऑलरेडी नो NCPCR इज अ स्टेचुटरी बॉडी सेटअप इन March 2007 अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन of Child Rights Act 2005. It is under the administrative control of Ministry of Women and Child Development. The Commission's mandate is to ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child right perspective as enshrined in the Constitution of India and also the United Nations Conventions of the Rights of the Child. Or India has already rights of the child ko rectify kiya hua hai. Okay, so it inquires into complaints relating to child's right to free and compulsory education under the Right to Education Act 2009. It monitors the implementation of the POCSO Act 2012. और हाल ही में 2019 में POCSO Act में काफ़ी अच्छे बदलाव किए गए हैं, राइट, और काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं और जिसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ताकि सेक्शुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट में जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। सो POCSO स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल। So this was your today's lecture. I hope you have understood and make a note of each and every topic. If you have any doubt, please contact me and we will clear your doubts. Till then, stay home, stay safe, stay happy. Thank you.